देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। दो अनवांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनकी नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था कि कहीं देखते हैं तो उनका प्रिंट कर लिया जाए। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दो आतंकी उत्तर प्रदेश में घुस चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये भारत नेपाल सीमा से सटे किसी भी जिले से नेपाल भाग सकते हैं। इनके तलाश में पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आखिरी बार दोनों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े दक्षिण भारत में सक्रिय रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन को सितंबर 2017 में एनआईए ने चेन्नई से पकड़ा था। बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से नेपाल भागने की फिराक में हैं। इसके लिए गोरखपुर जोन के महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिला सबसे मुफीद है। तीनों जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ी है। बस्ती रेंज के आईजी आशुतोष कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों के यूपी में प्रवेश करने की सूचना मिली है। नेपाल से सटे सिद्धार्थनगर समेत कुछ जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों के फोटो भी मिले हैं, उसे भी पुलिस को सौंपा गया है। स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद के पीछे लगाया गया है। दो अनवांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जांच में पाया गया कि मोइनुद्दीन सीरिया से लौटने के बाद दक्षिण भारत समेत देश के अन्य राज्यों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ता था। वह पाक समर्थित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के भी संपर्क में रहा है। दक्षिण भारत में ही सक्रिय दूसरे आतंकी अब्दुल समद को फरवरी 2018 में पकड़ा गया था। पुणे विस्फोट से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्य को समद ने हवाला के जरिए खाड़ी देश से मिले 3.5 लाख रुपए पहुंचाए थे। बस्ती से मजर आजाद की रिपोर्ट, यूपी तक।